उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए नाउ जे मेन्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिवीजन किस स्ट्रेटेजी से करते हो सो so, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका क्लास इलेवेंथ का भी पोर्शन इसमें आएगा और क्लास इलेवंथ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम भूल चुके होंगे सो दैट इज वाई आई विल से दैट कि आप लोग कोशिश करो जितनी जल्दी क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस कंप्लीट कर सको और उसके बाद रिवाइज करना स्टार्ट करो वंस यू आर ओवर विद द क्लास ट्वेल्थ सिलेबस अब आप लोगों का टाइम है रिवीजन का और क्लास इलेवंथ का रिवीजन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है स्ट्रैटेजी ये है कि रिवाइज करते टाइम आप मैक्सिमम क्वेश्चन करते टाइम उनके की फॉर्मुलास और की कंसेप्ट को हाईलाइट जरूर करें और हर एक कंसेप्ट हर एक फॉर्मूला से एटलीस्ट फाइव सिक्स क्वेश्चन करें और ऐसे ही करते करते हर चैप्टर से अराउंड एट्टी नाइनटी क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है अब आप सोचोगे सर इतने क्वेश्चंस करने क्या जरूरी हैं तो डेफिनेटली जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखोगे किसी भी सेशन का पेपर उठा लो तो ज्यादातर जितने भी आपके सेशंस हुए थे उनमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन जो थे आपके फॉर्मुला बेस्ड थे और कंसेप्ट भी कुछ ऐसे यूज हो रहे थे जो आप लोग क्लियरली याद रख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को 25 क्वेश्चंस करने हैं तो 25 क्वेश्चंस तभी करेंगे जब हमारी स्पीड अच्छी होगी और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए सो इन फिजिक्स इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा स्कोर करो क्योंकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी बना के चलना है प्रीवियस ईयर में मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट आया था दैट्स आई एम से फिजिक्स आपको अच्छे से करना है और मैक्सिमम स्कोर यहाँ आप कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे सो so, जैसे आप क्लास इलेवन का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो रिवाइज करना आप साथ के साथ के क्लास 12 का भी रिवीजन करोगे बट डेफिनेटली इन क्लास ट्वेल्थ को मेंशन करते रहना है साथ के साथ आप लोगों को अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं अगर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाना चाहते हो तो डेली आप अपने टारगेट फिक्स करो तो अगर आप अपने डेली टारगेट फिक्स कर रहे हो तो लेटेस्ट से अगर आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट आप 40-50 क्वेश्चंस का टारगेट रखो जब आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो रिविजन करना स्टार्ट करते हो तो आप उउंड ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन गो करो और तब तक आप कुछ भी मत देखो कोई सोल्यूशन नहीं देखो कोई आंसर मैच नहीं क्वेश्चन आप आपके करेक्ट होते हैं आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है सो so, अगर आप इसी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करेंगे डी आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव होगी सो टाइम पे आप बाउंडेशन मत डालो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बाउंडेशन डालो कि मुझे इतने क्वेश्चन करके ही उठना हैल्प फिजिक्स में खासकर ये देखा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही है तो दैट्स वाई पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप आर्काइव्स कह सकते हैं इन सभी को आप करो जरूर और मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास संगेज है या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं कोई ऐसी कोई बुक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं सो so, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो क्वेश्चंस वाली बुक जरूर करो आप एच वर्मा के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं जहां आपके फॉर्मुला भी साथ के साथ रिवाइज हो सके पीवाई जरूर करके जाना क्योंकि पीवाई से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाता है कि, कि किस ट्रेंड में पेपर आ रहा है तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को कोशिश करना है हर मंथ एक या दो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की मतलब जितना भी आपका सिलेबस हो गया है उनके टेस्ट पेपर्स को जरूर आप कंप्लीट करो टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बिफोर यू अटेंड द एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट सो so, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अराउंड नाइन टू टेन मॉक टेस्ट तो जो बच्चे एम कर रहे हैं अंडर था रैंक हमें चाहिए तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रेट मोर देन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप फिफ्टीन मॉक टेस्ट करोगे दैट विल सफिशियंट बट कंप्लीट मॉक टेस्ट होने चाहिए जिसमें फिजिक्स भी हो केमिस्ट्री भी हो और मैथ्स भी हो उससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कहां तक है और मॉक टेस्ट के रिजल्ट से आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप उसको वहीं नहीं छोड़ देते जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन कंसेप्ट को आप हाईलाइट जरूर करोगे और उन कंसेप्ट को दोबारा पढ़ोगे शॉर्ट ट्रिक्स आपको टीचर सिखाते हैं उन शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करना स्टार्ट करो क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट करनी है सो डेट वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड आई थिंक अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अंडर थाउजेंड एग्जाम क्रैक कर सकते हो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बैलेंस बना के चलो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छे हो तो आपको मैथ्स भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट विल मैटर सो सिर्फ हमें फिजिक्स की बात नहीं कर रहा अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात करो तो आपको उनकी भी स्ट्रैटेजीज को इसी तरीके से फॉर्म करना चाहिए और उनके लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन